हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं नर्सिंग ट्यूटर की वैकेंसी, कितनी नंबर ऑफ़ पोस्ट है, कैसा सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा, वो कम्प्लीटली हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं, यूपीएससी एक एग्ज़ाम करवाएगी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसके अंदर ऑनलाइन रिक्रूटमेंट होगा और जो पोस्ट रहने वाली है वो रहेगी ट्यूटर की। और मिनिस्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। वही डिपार्टमेंट की बात करें तो DGHS है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो होगा कॉलेज ऑफ नर्सिंग लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एंड SMT सुचिता कृपलानी हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, यहाँ पर इसकी पोस्टिंग होने वाली है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ पोस्ट की। नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर अनरिजर्व की 5 है, EWS की 2, OBC की 5, SC 2, ST की यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं है, और PWD की है यहाँ पर 1, और ऐसे करके यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 14। अब बात करते हैं यहाँ पर पोस्ट की डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पे स्केल है लेवल 10 इन द पे मैट्रिक्स, मतलब यहाँ पर लगभग 56,100 से लेके 177,500 यहाँ पर सैलरी रहने वाली। तो अच्छी खासी यहाँ पर सैलरी है, 177,500 तक यहाँ पर आपकी सैलरी रह सकती है। वहीं अगर एज की बात करें तो एज यहाँ पर 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जनरल और EWS कैंडिडेट्स की। वहीं 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट की। तो ये यहाँ पर एज क्राइटेरिया है। अब बात करते हैं यहाँ पर असेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या ज़रूरी है। असेंशियल क्वालिफ़िकेशन के लिए यहाँ पर मास्टर इन नर्सिंग यानी MSc हो सकता है, या फिर अगर आपने BSc नर्सिंग या पोस्ट BSc नर्सिंग कर रखी है तो यहाँ पर 1 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। वहीं रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफ विद सेंट्रल और स्टेट काउंसिल, यहाँ पर RN और RM नंबर भी यहाँ पर आपको होने चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, अब असेंशियल क्वालिफ़िकेशन के बाद यहाँ पर जो ड्यूटी रहेगी, ड्यूटी के लिए यहाँ पर जो नर्सिंग ट्यूटर पोस्ट किया जाएगा उसके लिए यहाँ पर प्लानिंग फॉर स्टूडेंट प्लानिंग करनी होगी, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, वार्ड असाइनमेंट, वार्ड टीचिंग प्रोग्राम विद द कोऑपरेशन एंड कोलाब्रेशन ऑफ वार्ड सिस्टर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेमिनार एंड रेगुलर विजिट टू द हॉस्पिटल वार्ड्स एंड डिपार्टमेंट। तो ये यहाँ पर काम रहने वाला है पोस्ट के अंदर, क्या आपको वहाँ पर वर्क करना होगा, तो वो भी यहाँ पर आपके दिया हुआ है। वही यहाँ पर प्रोबेशन पीरियड भी रहेगा 1 ईयर का, 1 ईयर के अंदर यहाँ पर आपके प्रोबेशन पीरियड रहेगा। और द पीरियड ऑफ 1 ईयर शैल इंक्लूड सक्सेसफुल कम्प्लीशन ऑफ मैंडेटरी ट्रेनिंग ऑफ 2 वीक्स ड्यूरेशन। वहीं इसका अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो LHMC एंड एसोसिएटेड हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। अदर डिटेल के लिए यहाँ पर द पोस्ट आर परमानेंट, पोस्ट परमानेंट है, जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप ए गेजगेट नॉन मिनिस्ट्रियल, तो यहाँ पर परमानेंट पोस्ट रहने वाली है ये। वहीं अदर कंडीशन, द पीरियड ऑफ सेल विल बी शेल सक्सेसफुल कम्प्लीशन ऑफ मैंडेटरी ट्रेनिंग ऑफ 2 वीक्स ड्यूरेशन। तो ये यहाँ पर कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है आप सभी के लिए। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है BSc नर्सिंग और पोस्ट BSc नर्सिंग स्टूडेंट के लिए। वहीं अगर आपने MSc कर रखी है तो यहाँ पर कोई जो एक्सपीरियंस है वो इन्होंने नहीं मैंडेटरी किया है। तो ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है, ताकि इसी प्रकार से इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो ये वैकेंसी है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तक ऐड नहीं है तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। और इस वैकेंसी के रिगार्डिंग और भी अदर वैकेंसीज के रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है। ओके, थैंक यू सो मच।